काफ़ी देर पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया था आपके सामने और आपके सामने ही मैंने उसको ग्रो करके भी दिखाया था, लेकिन तब मैंने आपको बोला था कि इसकी अभी थीम सेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पहले इसको ग्रो करना है। मैंने भी अच्छे खासे फॉलोअर्स गेन किए हैं और आप सबने भी किए हैं, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है जब हम इस पेज की सुंदरता को बढ़ाएंगे, तो चलें लेट्स गो। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने कुछ इंस्टाग्राम पेजेस के सैंपल शो करूंगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से हम अपने इंस्टाग्राम पेज की थीम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये है एक इंस्टाग्राम मोटिवेशनल पेज और इसको देखकर हमें काफी अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि ये एक सिंपल वे में क्रिएट किया गया पेज है। आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ दो ही कलर्स का यूज किया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट का। इनकी आप डीपी देख सकते हो एंड हाईलाइट कवर देख सकते हो। एंड अगर हम बात करें इनके पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो कलर्स दिखेंगे, वो एक तो व्हाइट है और दूसरा है येलो। एंड अगर आप और भी पोस्ट देखते हो तो यहाँ पे आपको सेम कलर्स ही दिखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक पोस्ट में किसी और कलर को देखा और दूसरी पोस्ट में आपको कोई और कलर मिल गया। आपको अपने पेज को ऐसा यूनिक बनाना होगा कि किसी के सामने भी आ जाए तो वो झट से पता लगा ले कि ये पोस्ट उस पेज की है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक और दिखाते हैं, यहाँ पे दो कलर्स का और यूज किया गया है जो कि काफी ज्यादा आई कैचिंग है, ब्लैक एंड येलो। इसका हाइलाइट्स कवर देखिए और इसकी डीपी देखिए, साथ ही साथ इनकी बायो भी देखिए, कितनी प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे लिखा गया है सब कुछ। एक और दिखाते हैं जिसमें दो कलर्स का यूज किया गया है, विच इज वॉयलेट एंड सियान। आप इसको देखकर भी अंदाजा लगा सकते हो कितने प्रोफेशनल वे में इस पेज को क्रिएट किया गया है। किसी के भी सामने आ जाए ना, वो जड़ से पता लगा लेगा कि ये पोस्ट किस पेज की है। तो देखा आपने, हमें अपने इंस्टाग्राम पेज को यूनिक बनाने के लिए हमें कोई एक स्पेसिफिक कलर को चूज करना पड़ेगा, जिस कलर को देखकर लोग पहचान जाए कि ये पेज उस पर्सन का है। तो सबसे पहले हमें अपने इंस्टाग्राम पेज की डीपी बनाने पड़ेगी, जिसको हम लोगो बोलते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे हाईलाइट कवर्स। तो इन सब चीजों को बनाने के लिए हम यूज करते हैं कैनवा एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहे इसको पीसी में बनाओ चाहे फोन में बनाओ, प्रोसेस सेम रहेगा। मैं बनाने वाला हूँ पीसी में, लेकिन जब आप मोबाइल में कैनवा को डाउनलोड करके बनाओगे, ट्रस्ट मी, सारा प्रोसेस सेम है। जो मैं पीसी में करूंगा वो सारे ऑप्शन अवेलेबल है इन मोबाइल एप्लीकेशन। तो चलें लेट्स गो। ओके, तो कैनवा एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको इजीली यहाँ पे सर्च करना होगा लोगो। आपको यहाँ पे काफी सारे टेम्पलेट्स देखेंगे, आपको इनमें से कोई भी चूज नहीं करना है। आपको इजीली क्लिक करना होगा क्रिएट ए ब्लैंक लोगो। यहाँ पे आपके सामने कई सारे टेम्पलेट्स शो होंगे, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल, आपको इस तरह का लोगो बनाना है तो ये लोगो आप कैसे बना सकते हो? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना होगा, लाइक आपके पेज का नाम ए से शुरू होता है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे ए एंड देन सर्च। आपके सामने ए वर्ड के सारे टेम्पलेट शो हो जाएंगे, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, कुछ यहाँ पे फ्री होंगे और कुछ यहाँ पे पेड होंगे। आपको यहाँ पे सिर्फ फ्री वाले ही चूज करने हैं, लाइक ये आपने चूज कर लिया, इसका कलर भी चूज कर सकते हो। आप एक पर्टिकुलर कलर सेट कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम पेज का नाम लिख सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले, मैं ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि कैनवा एप्लीकेशन में हमें क्या क्या सोर्सेज मिल जाते हैं प्रोजेक्ट बनाने के। फॉर एग्जाम्पल, हम चले गए एलिमेंट्स में, यहाँ पे हमने सर्च कर लिया ए सिंगल वर्ड, ठीक है, इसके आगे लिख लिया लोगो। ए वर्ड के जितने भी लोगो होंगे आपके सामने शो हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ पेड रहेंगे, कुछ फ्री रहेंगे, आप यहाँ पे फ्री का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पसंद आ जाता है तो आप इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कलर चेंज करने का। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर चूज करना होगा, मैक्सिमम लोगों का ब्लैक रहता है तो मैं भी यहाँ पे ब्लैक ही रखूंगा। अब मुझे यहाँ पे कोई भी लोगो चाहिए होगा, बेसिकली मेरा पेज एस से शुरू होता है तो मुझे यहाँ पे खास एस वर्ड से लोगोस नहीं मिले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ और यूनिक ट्राई कर रहा हूँ। एंड मैंने ये लोगो सिलेक्ट किया था, इसका मैं साइज इंक्रीज करूंगा। आप कोई भी लोगो को सेट कर सकते हो बड़ी आसानी से, मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे आपको सर्च करना है लोगोज को। आपको याद रख लेना होगा कि आपको टेम्पलेट्स में भी लोगोस मिल जाएंगे एंड एलिमेंट्स में भी। टेम्पलेट्स में जाओगे तो पूरा का पूरा ढांचा बनाया मिल जाएगा, एलिमेंट्स में जाओगे तो सिर्फ लोगोस मिलेंगे। तो इसका मुझे अभी कलर चेंज करना है, इसका मैं रखूंगा येलो। इसको येलो रखने के बाद मैं यहाँ पे कलर्स में जाऊंगा एंड थोड़ा सा इसको डार्क कर लूंगा, इससे क्या होगा कि एक शेड मिल जाएगी हमें। इसको मैं उठा के थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूँ, क्योंकि नीचे मुझे अपने पेज का नाम लिखना है। आप बिल्कुल भी ऐसा ना बनाएं, आपको मैंने काफी सारी चीजें सिखा दी हैं कि कैसे आप अपना खुद का लोगो बना सकते हो। अब मैं जाऊंगा टेम्पलेट्स में एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐड पेज करूंगा और ये वाला टेम्पलेट मैं यूज करूंगा। इसका मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे इसका टेक्स्ट चाहिए, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, आप मोबाइल में भी कर सकते हो, आपको सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर होल्ड करना है, आपके सामने ऑप्शन शो होंगे, देन क्लिक ऑन थ्री डॉट्स एंड देन यहाँ से मैं करूंगा कॉपी एंड ऊपर आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। इसको उठा के नीचे लेके आऊंगा, अब मैं यहाँ पे अपने पेज का नाम लिखूंगा। इसका मैं फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा पॉपिंस,
इसका हम कलर चेंज करते हैं इनटू व्हाइट। हमारा लोगो बनके तो तैयार हो चुका है, अब सिर्फ एक ही चीज करनी है। एलिमेंट्स में जाओ एंड यहाँ पे सर्च करो सर्कल, ये वाला सर्कल लेके आओ। इसका कलर आपको व्हाइट रखना है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जो हमारी डीपी रहेगी वो रहेगी सर्कुलर, इसलिए हमें इस सर्कल के अंदर ही सब कुछ फिट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा लोगो बाहर की तरफ जा रहा है एंड अब हमें इस लोगो का साइज थोड़ा सा छोटा करना होगा। बाकी हमारे टेक्स्ट वगैरह सही है और आप देख सकते हो हम इसको सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा एंड देन राइट क्लिक एंड देन गो सेंड बैकवर्ड। अब आप अपने लोगो को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो और इसका साइज डिक्रीज करके इस सर्कल के अंदर फिट कर सकते हो। आपके इंस्टाग्राम पेज का लोगो तैयार हो चुका है, आपको इजीली इसको सेव कर लेना होगा। एंड यहाँ पे आपको मैं एक चीज और सिखाऊंगा कि आपका जो येलो कलर है ना, ये आपके पेज का थीम कलर है, तो इसका आपको कोड सेव करना होगा बेसिकली। तो इसको क्लिक करने के बाद चले जाओ कलर में एंड देन क्लिक ऑन प्लस आइकन एंड यहाँ पे इस कोड को आपको कॉपी कर लेना होगा एंड किसी नोटपैड पे लिख लेना होगा। ये एक यूनिवर्सल कोड है, आप इसको कहीं पे भी पेस्ट करो आपका कलर शो हो जाएगा। एंड अब हम देखते हैं कि हम इस तरह के हाइलाइट्स कवर कैसे बना सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई पसंद आता है तो आप बना सकते हो, अदरवाइज अपना दिमाग लगाकर भी बना सकते हो। सबसे पहले वीडियोस का बनाएंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड ले आओ ब्लैक, एलिमेंट्स में जाओ और यहाँ पे सर्च कर डालो वीडियो। आपके सामने कई सारे लोगो शो हो जाएंगे, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, अदरवाइज आप लिख सकते हो मल्टीमीडिया। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा लोगो आएगा, को सिलेक्ट करना है, इसका कलर चेंज कर देना है येलो में, लेकिन वो वाला येलो कौन सा था आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो इसलिए अब आपको जाना होगा प्लस वाले आइकन में एंड यहाँ पे आपको उस कॉपी किए हुए कोड को पेस्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है कि आपको सर्कल जरूर ऐड करना है अपने किसी भी लोगो में एंड सर्कल का कलर रहेगा वाइट ऑलवेज। एंड अगर आप यहाँ पे देखते हो तो काफी सारे लोगो आपको देखने को मिलते हैं, तो आप इनमें से हर एक बना सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम पेज। जाते हैं सीधा एडिट प्रोफाइल में एंड देन चेंज प्रोफाइल फोटो। यहाँ से आपको अपने लोगो को सिलेक्ट करना होगा एंड देन क्लिक ऑन एरो ऑप्शन, ये तो आसान है लगाना, एंड देन यहाँ से डन कर लेना होगा। अब हमें इसी के साथ साथ हाईलाइट कवर को भी लगा लेना होगा। इजिली होल्ड ऑन योर हाईलाइट एंड देन एडिट हाईलाइट एंड देन एडिट कवर एंड यहाँ से आपको गैलरी में चले जाना होगा और अपने हाईलाइट को सिलेक्ट कर लेना होगा। ये है हमारा वीडियो वाला हाईलाइट कवर एंड देन क्लिक ऑन एरो ऑप्शन एंड देन डन। इन फ्यूचर आप जितनी भी हाईलाइट बनाते हो उसके आप आसानी से कवर्स बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैनवा एप्लीकेशन। अब हम जाते हैं अपनी बायो को एडिट करने, बिकॉज आपके साथ साथ ही मैंने यहाँ पे कमिंग सून लिखा था, अब टाइम आ गया है इसको चेंज करने का। एडिट प्रोफाइल में जा करके यहाँ पे हमें कमिंग सून को हटा करके कुछ नया लिखना होगा। हमारा पेज है हिंदी मोटिवेशनल के रिलेटेड, मेरे पेज के ऊपर आपको हिंदी में कॉन्टेंट दिखता है, तो हमें भी यहाँ पे हिंदी में ही लिखना होगा। यहाँ से कर देंगे टिक और हमारी बायो भी कम्प्लीट हो चुकी है। वैसे अगर आपने अभी तक मेरा मोटिवेशनल पेज का पूरा फुल कोर्स ही नहीं देखा तो क्या देखा, ये वाली वीडियो देखो और सब कुछ जान लो कैसे हम अपने इंस्टाग्राम मोटिवेशनल पेज को ग्रो करके पैसे कमाते हैं।